भी है। हाँ, देसी मुर्गा हम लोग रखते भी हैं, गांव घर से जो भी खरीदते हैं वो यहाँ ला। तो भैया और भाभी कह लीजिए दोनों स्टेज पे परफॉर्मेंस करते थे और ये काफी ज्यादा फेमस थे। बहुत अच्छा। और ये देखिए चिकन। खाना सच में बिल्कुल स्वादिष्ट है, लग रहा है मैं किसी गांव में आकर यहां बैठकर खाना खा रहा हूं। खाना बहुत टेस्टी था। अच्छा था यहां पर, यहां भी अच्छा लग रहा है, जो भी यहां अरेंजमेंट है बन रहा है जो भी वो बहुत अच्छा मतलब है। नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, आप सभी मस्त रहे, खुश रहे और इन्जॉय करें। तो आज मैं आप लोगों को एक नई जगह लेके आया हूं। तो आज हम लोग आपको लेके आ चुके हैं 10 माइल चौक से चुकड़ू मोड़ के तरफ, रेमता डैम यहाँ पे है। गूगल मैप का लोकेशन मैं और फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक देसी झारखंडी होटल, मतलब ऐसा होटल मेरे सपनों का ये होटल है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है क्योंकि ये होटल मुझे बहुत पसंद आ चुका है। यहाँ पे एकदम झारखंडी अंदाज से खाना बनता है और झारखंडी तरीके से इस पूरे जगह को सजाया भी गया है। चलिए अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कितना देसी झारखंडी ये जगह है और किस तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैठने के लिए बहुत अच्छा है, कॉटेज बना हुआ है, केबिन्स बना हुआ है और वो भी झारखंडी अंदाज में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे छोटे छोटे कॉटेजेस है, बांस का बना हुआ है, अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है और आगे जाके हमें यहाँ पे झारखंडी पेंटिंग के साथ में यहाँ का जो कॉटेज है वो दिखेगा। तो बहुत ही देसी अंदाज में इस पूरे होटल को, रेस्टोरेंट को बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं और अंदर में बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है। तो आप देख सकते हैं फूल फुलवारी के साथ इस जगह को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इनके किचन पे जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे किस तरीके से पूरा झारखंडी अंदाज में खाना बनाया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ। और आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का चूल्हा है और यहाँ पे 1 2 3 4 चूल्हा बना हुआ है और पूरा लकड़ी के आँच पे खाना बनाया जाता है। यहाँ पे भैया हैं, जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर टूटी हुआ। सुंदर टूटी। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खाना बना रहे हैं और दीदी भी है। जोहार दीदी। जोहार जोहार। आपका नाम क्या है? मुस्कान टूटी। अच्छा, तो यहाँ पे दीदी लोग बना रहे खाना। और कितने साल से है आप लोग का ये होटल? ये होटल हम लोग का आज कम से कम 3 साल से। 3 साल से जी। और इस गांव का नाम क्या बोलते हैं? ये गांव का नाम है चुकरू मोड़ चुकरू गांव। अच्छा, तो चुकरू मोड़ चुकरू गांव का भी नाम है और बाहर में भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ हम लोग बनाते हैं देसी मुर्गा। अच्छा। मटन बनाते हैं, मछली बनाते हैं और चावल बनाते हैं। अच्छा। यही सब है। तो देसी मुर्गा आप लोग रखते भी हैं? हाँ, देसी मुर्गा हम लोग रखते भी हैं, गाँव घर से जो भी खरीदते हैं वो यहाँ ला के रखते हैं और उसी को हम लोग बना देते हैं। अच्छा जी। और दीदी भी पूरा काम कर रही है। दीदी क्या बना रहे हैं अभी? अभी हम चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे हैं, देसी चिकन है। तो चिकन बनाने का कितना लेते हैं? अगर कोई चिकन कटवा के लाता है तो केवल बनाने का कितना लेते हैं? पर केजी 180 रुपये। 180 रुपया। अच्छा, तो अगर आप चिकन लाते हैं तो बनाने का चार्ज 180 रुपया है और चिकन यहाँ पे इनके पास भी रहता है देसी चिकन ना? और मतलब कि ऐसे पीस में अभी नहीं मिलता है?
अभी पीस में अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी दिन हम लोग पीस में भी रखेंगे। अच्छा, कुछ दिन के बाद होगा। और चावल सब रहता है? सब रेडीमेड रखेंगे अभी कुछ दिन के बाद, अभी पूरा बनेगा ना कंप्लीट, उसके बाद। अच्छा, सब तो यहाँ पे काम चालू है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा बन रहा है। एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, चिकन ऑर्डर पे आया है, तो अभी हम लोग भी चिकन खाने वाले हैं और एकदम देसी अंदाज में बनाते हैं। जी हाँ, पूरा देसी अंदाज बनाते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों के लिए भी चिकन हो जाएगा? हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। देसी चिकन होगा? देसी चिकन होगा आप लोग के लिए। अच्छा, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देसी चिकन खाने वाले हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इनका जो मसाला है, प्याज है, लहसुन वगैरह डाल के बना रहे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल दिखाते हैं इनकी मेकिंग कैसी चल रही है, कितने देसी अंदाज में खाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दीदी जो है कूट रही है। यहाँ पे अदरक मिर्चा को कूटा गया है और लहसुन का यहाँ पे पेस्ट बना लिया गया है। तो आप देख सकते हो सारा जो प्रिपरेशन है एकदम देसी अंदाज पे किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मिर्चा डाल दिया गया है, मिर्चा और अदरक ना। टेस्ट खाना दिख रहा है और बहुत खाने का मन कर रहा है। दीदी इतना टेस्टी खाना बनाने कहाँ सीखे? ऐसे यार मैं बनाते बनाते सीख गए। बनाते बनाते सीख गए? मायके में कुछ नहीं किए थे, यहीं आके सब कुछ कर लिए। तो मजा आता है इतना, मतलब कि टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं सबको, तारीफ मिलता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सब बोलते हैं, कभी खराब नहीं बोला है, सब सब अच्छा बोला है। तो इतना अच्छा ये खाना बनाती है, कभी कोई खराब नहीं बोला है और बहुत टेस्टी, मतलब देसी चिकन का स्वाद। ऊपर से लकड़ी, हमेशा लकड़ी पे ही बनाते हैं? हमेशा लकड़ी से। ऐसे कैसे सोचे कि लकड़ी चूल्हा पे बनाना चाहिए, देसी खाना खिलाना चाहिए, कैसे दिमाग में आया? देखिए गैस बहुत महंगा था, हम लोग तो ऐसे छोटा सा झोपड़ी किए थे तो उस टाइम लकड़ी से बनता था, तो जैसे लकड़ी खाते हैं हर गैस का, गैस का उतना टेस्टी नहीं लगता था। फिर बाहर से आता था तो बोलता है कि लकड़िया का बना के दीजिए। सही बात बोली दीदी ने कि लकड़ी का स्वाद एक अलग ही स्वाद देता है, खाना जब बनता है लकड़ी चूल्हा पे तो उसका टेस्ट और रहता है, और गैस बहुत महंगा भी है और इस पे खाना जब बनता है तो धीमी धीमी आँच पे बनता है। अरे इधर लकड़ी मिलता है ना अभी? हाँ, मिल भी जाता है आसानी से, जलाने के लिए लकड़ी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कितना टाइम लगता है देसी चिकन को पकने में? कम से कम एक घंटा। एक घंटा लग जाता है? अच्छे से बनाते हैं? हाँ अच्छे से। ठीक है, सब घूमने गया है आके फिर खाएगा। अच्छा, तो दोस्तों देखिए ये हम लोगों का है, हम लोगों के लिए बन रहा है दीदी? हाँ आप ही लोग का। अच्छा, तो दोस्तों देखिए ये हमारा चिकन कट के रखा हुआ है और प्याज भुंजा गया है, अभी दीदी इसको डालने वाली है। तो दोस्तों देखिए अब प्याज भुंजा गया ना दीदी? तो देखिए हम लोगों का चिकन यहाँ पे डाल दी है दीदी और इसको अच्छे से भुंजा जाएगा। और देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म चावल भी बनाया जा रहा है, और ये देखिए इसमें चावल अभी तैयार किया जा रहा है और यहाँ बगल में हमारा चिकन चढ़ा हुआ है। तो देहाती चिकन और चावल आज हम लोग खाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का चिकन मस्त बन रहा है, चलिए थोड़ा सा। और कितना देर में तैयार होगा दीदी? 20 मिनट। अच्छा, तो इसको अच्छे से दीदी भूंज रही है, इसमें अदरक लहसुन डाल दिए है ना, मिर्चा सब डाल दिए। हाँ पहुँच गया। तो दोस्तों देखिए, और दीदी बहुत हमको लगता है दिनों से, 3 साल से तो ये काम कर रहे हैं यहाँ होटल पे। कुछ दीदी परफॉर्मेंस भी करती थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और स्टेज में बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं आप लोग ना? हाँ करते थे पहले। कहाँ कहाँ जाते थे डांस करने? गुमला, डाल्टनगंज, पूरा गया। तो सब कोई जानता था? अच्छा, तो उसके बाद मतलब कि स्टेज परफॉर्मेंस आप करते थे, डांस करते थे? स्टेज। अच्छा, भैया भी करते थे? साथ में ही करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और उसके बाद इन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप अभी शुरू किया है और यहाँ पे इस तरीके से देसी झारखंडी खाना खिलाते हैं। तो आप लोग नागपुरी गाना में डांस करते थे? नागपुरी, हिंदी, भोजपुरी, दोनों, तीनों, सब में? सब में।
और भैया का नाम सुंदर है और दीदी का नाम है मुस्कान। और सुंदर और मुस्कान की जोड़ी से इनका बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत अच्छा ये लोग प्रोग्राम करते थे, कार्यक्रम देते थे और डांस करते थे। तो ये इनकी कहानी है और अभी मिस करते हैं वो स्टेज, वो डांस करना कभी कभी। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा उसमें भी पैसा मिलता होगा? हाँ मिलता था। अच्छा तो फिर शादी के बाद आप इधर आ गए, चेंज कर दिया अपना? तो शादी से पहले आप लोग प्रोग्राम करते थे? शादी के बाद भी किया, लेकिन बाबू हुआ ना उसके बाद छोड़ दे। अच्छा अच्छा, तो ये इनकी कहानी है, पहले कुछ प्रोग्राम करते थे उसके बाद अब इस तरीके से झारखंडी खाना खिला रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। तो देखिए दीदी अभी गर्मा गर्म भात पसा रही है। मुर्गा बन गया दीदी? वो तो चढ़ा ले, बनिया रहा थोड़ा देर हो गया। एक से एक यहाँ पे देसी मुर्गा बन रहा है और इतना मस्त खुशबू आ रहा है ना। तो दोस्तों देखिए दीदी इधर भात पसा रही है, मुर्गा चढ़ा हुआ है। और कते देरी लागी दीदी? हाँ 10 मिनट बस। 10 मिनट उकर बात बन जाए? नी हाँ हो जाए। मुरुख जोर से भूख लागत है से ले? मिल जाए टेंशन नहीं ले। अच्छा तो दीदी बोल रही है कि 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा और भात तो पसा रही है और इधर मुर्गा एक से एक बन रहा है। और इस किचन में जब आप आइएगा ना तो इतना अच्छा आपको खुशबू आएगा, एकदम देसी मुर्गा भुंजा रहा है, लहसुन मिर्चा प्याज, मतलब कि आप मदहोश हो जाइएगा यहाँ आके, एकदम आपके मुंह में पानी आने लगेगा, आपको खाने का मन करने लगेगा और आपको मेरी तरह एकदम भूख के मारे एकदम लालची लगने लगेगा। मिल जाए बोल रही दीदी। चलिए खाना तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा गर्मा गर्म चिकन बन के तैयार है और अब हम लोग खाने के लिए जाने वाले हैं। अब देख सकते हैं देहाती मुर्गा कितना टेस्टी यहाँ पे बना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चावल भी गर्मा गर्म पतरी में निकाला गया है। तो दोस्तों देखिए हम लोग चिकन लेके बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ अनुराग है, थोड़े से बड़े भैया है, इनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। रिस्पेक्टेबल काम तो ऐसा कुछ किए नहीं है अभी तक। हम भी बोले ना। चलो बैठते हैं, हम लोग यहाँ नीचे बैठ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए गर्मा गर्म खाना आ चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं और ये देखिए चिकन, तो हम लोग इसको दोना हमें मिला है, तो यहाँ पे आपको दोना पत्तल में ही खाना मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों खाना शुरू करते हैं और देसी चिकन के साथ आज हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पापड़ सलाद सब कुछ मिला हुआ है और हमारे साथ में आज हमारे अनुराग भैया साथ में हैं। तो शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। एकदम स्वादिष्ट सा ये खाना है और जल्दी खाते नहीं तो अक्सर ये ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों देखिए लहसुन भी इसमें साथ में है और आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। तो देसी चिकन और चावल हम लोग खा रहे हैं। बहुत तीखा बनाई है दीदी, एकदम बहुत अच्छा। और ये देखिए चिकन, बहुत टेस्टी बना है, एकदम मस्त। तो दोस्तों देखिए अंशु खाना खा रहा है, कैसा लग रहा है अंशु? लाजवाब, ना तारीफ कीजिए उतना कम है। दोस्तों चिकन तो बहुत ही लाजवाब बना है, कैसा लगा अनुराग? बहुत ही अच्छा, एकदम तीखा सा है, जैसे देहाती चिकन बनाया जाता है ना बिल्कुल वैसे ही ये बना हुआ और काफ़ी स्वादिष्ट। सच में चिकन बहुत अच्छा है और आप हमारा पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इधर आ रहे हो रेमता डैम, यह जगह है रांची से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। गूगल मैप का लोकेशन दे दूंगा और इस जगह का फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, आप भी आ सकते हैं। और अच्छा माहौल है, अच्छी शांति है, गाँव का माहौल है, देसी चिकन मिलता है, स्वादिष्ट रहता है। ठीक है,
खाना कैसा लगा सर आप लोगों को? बहुत झारखंड का खाना जो है ना, वो सबसे अच्छा खाना झारखंड का है। खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था। और दोना पत्री में खाने का स्वाद और तो अच्छा रहता है। हम लोग भी यहीं से हैं तो इसका मजा तो जानते हैं पहले से। हम लोग झारखंड ही हैं हम लोग भी चुटिया झारखंड के हैं, चुटिया रांची के, तो खाने का मजा तो हम लोग इसी से लूटते हैं। कोई भी सभा होता है आज तक हम लोग पतले में खिलाते हैं सबको, कुछ भी होता है। और जो खानी है हम लोग, जो हमारा घर का टेस्ट है वो यहाँ का टेस्ट मिला खाने में, इसलिए और मजा आ गया। ठीक है सर, थैंक। तो दोस्तों हम लोग पेट भर के खाना खा चुके हैं, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। अब पास में ही यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है रेमता डैम, तो चलिए आपको दिखाते हैं रेमता डैम यहाँ कितना खूबसूरत सा है, वहाँ पे भी आप पिकनिक के लिए जा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रेमता डैम। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं रेमता डैम और काफी लोग आए हुए हैं, बोटिंग भी चल रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा नजारा है रेमता डैम का। तो दोस्तों देखिए यहाँ बोटिंग हो रहा है, वाओ। पहचान गए? थैंक यू थैंक यू। हाँ घूमते घूमते आ गए थे, खाना चाहिए बोलिए। इधर पास में भी है एक, वहाँ भी खा सकते हैं। रांची में बोलिए, रांची में। रांची में तो बहुत।